क्या करूं, कौन सा लू, Realme 3 Pro या Redmi Note 7 Pro, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं ना, वैसे आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो Realme 3 Pro के लिए। जानता हूं आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा है और ये दुविधा भी आ रहा है, भाई Redmi Note 7 Pro अभी के लिए परचेस कर लू या Realme 3 Pro के लिए वेट कर लू। भाई एक बात कहूं, थोड़ा सा खुद को रोक लो, वेट कर लो ना Realme 3 Pro के लिए, अब देखो ना क्या कुछ आपको उसमें मिल रहा है, और जब ये लॉन्च हो जाएगा साइड बाय साइड दोनों का कंपेयर कर लो, और उसके बाद जो आपके नजरे में अच्छा है, आपके सटीक चयन में अच्छा है, वो खरीद लो, और मेरे चैनल पे भी इसका कंपैरिजन आ जाएगा। अभी देखिए बहुत सारा रूमर्स आ रहा है, बहुत सारा स्पेक्स लीक्स होकर आ रहा है Realme 3 Pro के बारे में। अभी रिसेंटली कुछ लीक्स आया है वो भी कंफर्म, और स्पेक्स भी निकल के आया है वो भी कंफर्म। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आपको Realme 3 Pro में मिल रहा है, क्या कुछ आपको मिलना चाहिए, और क्या है इसका फीचर्स, कौन से प्राइस में ये लॉन्च होगा और कब लॉन्च होगा, साथ में मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है Realme 3 Pro से, वो भी तो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखते रहिए ये वीडियो। बाय द वे मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। दैट बीइंग सेड चलुन করবো না দেরি, শুরু করি তাড়াতাড়ি। अब देखिए Redmi जो लॉन्च किया था ना Redmi Note 7 Pro, भाई काफी अच्छा फोन है। क्या स्पेक्स हैं, क्या कैमरा है, फीचर्स खास है, और 14,000 में। अभी Realme भी लॉन्च करने वाला है Realme 3 Pro, अब कब होगा, देखिए अप्रैल के महीने पे तो होना चाहिए, क्योंकि यही कहा था CEO ऑफ Realme मिस्टर माधव सेठ ने। अभी ये सुनने में आ रहा है आपको मिड अप्रैल में ये देखने को मिल जाएगा, या तो एंड ऑफ द अप्रैल, मान के चलिए अब से 2-3 सप्ताह बाद आपको ये फोन लॉन्च होने को देखने को मिल जाएगा। अभी ये कहां पे आएगा, भाई ये बहुत ज्यादा कंफर्म है, ये आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा, फ्लैश सेल या ओपन सेल, भाई फ्लैश सेल में मिलेगा। अभी चलिए प्राइस क्या होगा Realme 3 Pro का, देखिए Redmi Note 7 Pro से थोड़ा सा कम होगा, इसका मतलब 2-3 हजार नहीं 1,000 कम होगा। मेरा मानना यह है आपको 13,000 के आसपास में Realme 3 Pro मिल जाएगा, जो 4GB और 64GB वाला वेरिएंट होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसका स्पेक्स। अभी देखिए Realme 3 Pro में आपको पीछे में सुनने में आ रहा था ग्लास मिलेगा, पर अभी ये थोड़ा सा कंफर्म लिक्स आया है, अगर लिक्स का मानो तो आपको यहां पे वही पॉलीकार्बोनेट मिल जाएगा, यानी ग्लास जैसा तो डिजाइन मिलेगा, ग्लास बॉडी जैसा फील मिलेगा, पर असल में ये ग्लास नहीं होगा, मतलब पॉलीकार्बोनेट मिलेगा फिर से, जो आपको Realme 2 Pro में मिला था, जो आपको Realme U सीरीज में मिला था। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा था इस बार शायद ग्लास होगा। देखते हैं आप लीक्स सटीक कहता है या Realme क्या करेगा, ये तो लॉन्च के बाद ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी सामने में आपको 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, ऊपर में आपको यू नॉच मिलेगा, साथ में ग्लास प्रोटेक्शन भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का रहेगा, पर यह अभी कंफर्म नहीं है कि आपको सुपर एमोलेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेशन तो यही है। ओप्पो का सब ब्रांड था, अभी नहीं है, मालूम नहीं है भाई, इसमें ओप्पो के हर एक फोन में जो इस प्राइस रेंज में आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, हो सकता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए, अगर होता है तो खास होगा, अगर नहीं होता है भाई मैं ये नहीं कहूंगा बकवास, ठीक ठाक है। तो सुपर एमोलेड अभी के लिए कंफर्म नहीं है, तो आपको 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले तो मिलेगा और आपको यू नॉच भी मिलेगा। अभी चलिए कौन से वेरिएंट पे ये आ रहा है, देखिए दो वेरिएंट पे तो ये आ रहा है, ये तो कंफर्म है। इस वेरिएंट 4GB का एक आ रहा है, 4GB 64GB, उसके अलावा आपको 6GB मिलेगा, और एक वेरिएंट आएगा जो 8GB के साथ, क्या बात है। तो इस तरह का आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएगा। अभी आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलेगा, साथ में डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा, नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अभी प्रोसेसर बहुत अच्छा लगा। अब Redmi Note 7 Pro में आपको 675 मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, अभी Realme 3 Pro में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710, ये तो एकदम कंफर्म है। आपको 7 सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है जो है 710 यानी 710, साथ में एडिनो 616 का आपको GPU भी मिलेगा। गेमिंग क्या खास होगा भाई, अब मैं भी तो वेट कर रहा हूं Realme 3 Pro को लूंगा और Redmi Note 7 Pro के साथ गेमिंग कंपैरिजन भी करूंगा, कैमरा कंपैरिजन भी आएगा।
अभी ये जो प्रोसेसर है ये तो खास है, साथ में इसका जो कैमरा सुनने में आ रहा है वो भी तो खास है भाई। एआई प्रोसेसर है, एआई फीचर्स हैं, और जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है, जो कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का, जो प्राइमरी कैमरा F1.7 अपर्चर के साथ आएगा, जिसमें यूज किया गया है सोनी IMX519। और एक बात कहूं दोस्तों, मिस्टर माधव से ऑफ रियलमी, द सीईओ ऑफ रियलमी, उन्होंने कहा सुपर स्लो मोशन आएगा। क्या बात है दोस्त, सुपर स्लो मोशन जो मुझे पोको F1 में मिल गया था। साथ में अगर मैं यहां पे फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहां पे आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जो आपको रियलमी यू सीरीज में मिला था। क्या गजब का कैमरा होगा। और आपको रेडमी नोट 7 प्रो में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल गया था। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, साथ में EIS मिलेगा, और जो आपको और भी मिलने वाला है, थोड़ा सा मुझे भी दो मैं आपको दूंगा। भाई इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं सिर्फ 1000। अगर आप मुझे प्यार करते हो तो कर दो ना, और साथ में कमेंट्स, क्या आपको लगता है इस तरह का ही स्पेक्स आएगा, कमेंट्स कीजिए, उत्तर मैं दूंगा। अब इस वीडियो को अगर आप एंजॉय कर रहे हो, मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, तो क्या बात, सब्सक्राइब कर दो और साथ में नोटिफिकेशन बिल को जरूर पुश कर देना, क्योंकि इससे आपको हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता रहेगा। अब बात आता है यहाँ पे बैटरी का। बैटरी आपको 4230 mAh का मिल जाएगा, जो Redmi Note 7 Pro से काफी थोड़ा सा अच्छा है। अब इसमें 4000 mAh और उसमें 4250 mAh बैटरी तो खास होगा। साथ में जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो है USB टाइप सी नहीं होगा। अब लीक्स तो यही कह रहा है, पर मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा ये दुआ है, मेरा ये बिंत निवेदन है, Realme से USB टाइप सी दो। साथ में हाँ, यहाँ पे आपको वूक चार्ज का एक ऑप्शन मिलेगा, जो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। सेंसर्स तो सब मिलेगा। अभी फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे होगा या इन डिस्प्ले होगा ये तो मुझे पता नहीं, पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा ये मुझे पता है। साथ में यहाँ पे आपको फेस अनलॉक का फीचर्स मिलेगा, जो AI बेस्ड होगा, और सभी सेंसर्स मिलेगा भाई। नोटिफिकेशन एलईडी लाइट नहीं मिलेगा, और जायरोस्कोप, ग्रेविटी सेंसर, हर एक सेंसर ई कॉम्पास के साथ मिल जाएगा। इसमें आपको एंड्रॉइड पाई मिलेगा, साथ में कलर ओवेस 6 मिलेगा, जो मैंने रियलमी 3 में देखा था, काफी अच्छा एंजॉय भी किया था। यही था इस फोन का कुछ स्पेक्स एंड फीचर्स। कैसा लगा आपको, आपको क्या लगता है यही स्पेक्स आएगा या कुछ रद्द बदल भी हो सकता है? मैं तो चाहता हूं भाई कुछ रद्द बदल हो, जैसे USB टाइप सी को ऐड कर दो और पीछे में ग्लास दे दो, यही चाहता हूं मैं, और पीछे में फिंगरप्रिंट सेंसर चाहता हूं। देखते हैं जब लॉन्च होगा तब तो आपके लिए अनबॉक्सिंग लेकर आऊंगा, साथ में बहुत सारा कंपैरिजन भी लेकर आऊंगा Redmi Note 7 Pro के साथ। आज के लिए इतना ही, और एक नया वीडियो के साथ आ जाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।